ये बात तब की है जब हम लोग बारिश के वक्त ज़बरदस्ती ज़रूर से ज़रूर स्कूल जाया करते थे मज़े करने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज ये वीडियो मेरी ही कोई एक छोटी सी स्कूल की कहानी है, मतलब ये आज मेरी कहानी आज मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ कि मतलब जब हम लोग स्कूल जाया करते थे, अब तो भाई स्कूल है नहीं, स्कूल ख़त्म हो चुका, अब तो कॉलेज लाइफ शुरू हो गई। तो बस एक छोटी सी स्कूल की एक मेरी छोटी सी कहानी है, आप लोग भी सुनो। तो गाइस, ये बात शायद 8th या 9th की है, जब मतलब उस टाइम पे बहुत बारिश हुआ करती थी। वैसे भी अब भी होती है बारिश, बट हाँ उस टाइम इतनी बारिश हुई थी उस जुलाई और अगस्त के बीच में कि मतलब हम लोग स्कूल इतना तो मिस कर नहीं सकते थे। तो हम लोग दोस्त सारे मिल के प्लान करते थे कि अच्छा ठीक है, आज स्कूल आएंगे। और उस दिन हम लोग का क्या होता था, मैक्सिमम टाइम कि मतलब पढ़ाई नहीं हो पाती थी क्योंकि बच्चे कम आते थे, तो बारिश के वक्त पढ़ाई नहीं हो पाती थी, टीचर्स नहीं पढ़ा सकते थे क्योंकि आगे का अगर कोर्स पढ़ा देंगे तो जो बच्चे कल परसों में आएंगे उनके लिए कोर्स छूट जाएगा। तो बारिश के वक्त में हम लोग पता है क्यों बेसिकली स्कूल जाया करते थे। हाँ, हो सकता है कुछ मेरे टीचर्स ही मेरा ब्लॉग सुने, हो सकता है, तो उनको भी बता दो क्यों जाया करते थे रेनी सीजन में स्कूल। एक तो भाई पढ़ाई करने में मज़ा ही आ जाती थी, बारिश होती थी तो वो खुशबू आती थी बारिश की, अच्छी अच्छी हवा चलती थी तो और पढ़ने में मज़ा आता था। दूसरी चीज़ ये कि अगर इनके इस पढ़ाई नहीं होती तो सारे बच्चे लास्ट सीट पर जाके बारिश के मज़े लेते थे। ऊपर से ऊपर जब ब्रेक हुआ करता था तो हम लोग इतना भागते थे ग्राउंड में, मतलब ग्राउंड में जाने मिलता नहीं था वैसे, और अगर इनकेस बारिश रुकी और मिल जाए हम लोग ग्राउंड में, फिर देखो सारे के सारे बच्चे ग्राउंड में होते थे, पूरी भीड़ लगी हुई होती थी वहाँ पे, क्योंकि मज़ा आती थी बारिश हो रही है तो बारिश में चलो थोड़ा मज़े ले लेते हैं। फिर जब गेम्स पीरियड हुआ करता था तो गेम्स पीरियड में भी हम लोग ऐसे चले जाया करते थे, और इन केस बारिश हो रही है तो हम लोग बताते नहीं थे टीचर्स को कि टीचर्स बारिश होने लगी है तो मतलब वापस ले चलो। हाँ, कभी कभार टीचर्स खुद कहते थे कि चलो बारिश होने लगी, वरना हम लोग तो बारिश में भीगते थे। और फिर मतलब स्कूल में पढ़ाई कम हो पाती थी तो इसलिए ज़बरदस्ती हम लोग स्कूल जाते थे, जानबूझ के जाते थे ताकि हम लोग स्कूल जाएँ और बारिश के थोड़े बहुत इंजॉयमेंट और मज़े ले पाए। उसके बाद क्या होता था कि मतलब जब हमको घर जाना होता था तेज़ बारिश हो रही तो मैं कुछ बच्चे तो इतना ही जल्दी भाग जाते थे, बट मैं मेरे कुछ तीन चार चुनिंदा दोस्त साथ में क्या करता जो धीरे धीरे आराम आराम से चल के जाते थे। हम लोग को भाई मज़ा आती थी, बहुत मज़ा आती थी बारिश में भीगने में। और उसके बाद जब घर वापस आते थे, कपड़े तो भीगते थे, मम्मी से कभी कभार डांट भी पड़ जाती थी कि जान मुझ के ये लड़की भीगी होगी, बट उसके बाद मज़ा क्या आती थी कि गुस्सा क्या आती थी, मज़ा तो सारी ख़राब हो जाती थी जब देखते थे बुक्स खोल के कि सारी की सारी बुक्स सारी की सारे नोट्स भीग जाते थे। उसके बाद पूरे रूम में बिछे हुए होते थे सारी बुक्स, सारी किताबें सारी बिछी रहती थी, पंखे के नीचे सारी सूखती थी, और इनकेस किसी नोट्स में इंक फैल गई तो वहीं की वहीं सत्यानाश हो गया रहता, फैल जाता था सारी बुक्स का। और मतलब गाइस, कभी कभी हम लोग का क्या होता था, हम लोग प्लान से जाते थे स्कूल कि हाँ चलो आज सारे मिल के जाएंगे स्कूल, कभी कभी इनकेस प्लान नहीं हो पाया। और बहुत बार मैक्सिमम टाइम ऐसा हुआ मैं स्कूल नहीं गई, उसी दिन बारिश हुई, उसी दिन छुट्टी टाइम बारिश हुई और मेरे दोस्त मेरे को कॉल करके कहते थे यार पता है आज बारिश हुई, टीचर्स ने पढ़ाया नहीं, ऐसे मस्ती करी वैसे मस्ती करी, ऐसे इन्जॉयमेंट किया वैसे इन्जॉयमेंट किया, हमने ये किया वो किया, हम वापसी टाइम स्कूल भीगते भीगते गए, यार तुमने मिस कर दिया। ये लोग मेरे को ऐसे चढ़ाते थे, मतलब तब मेरे को गुस्सा आती थी यार ये मैंने मिस कैसे कर दिया। हो जाता था कभी कभार क्योंकि यहाँ पे जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पानी कभी कभार भर जाता था, जाने में दिक्कत हो जाती थी,
तो इसलिए हम जा नहीं पाते थे स्कूल, बहुत दूर था ना मेरा स्कूल, इसलिए तो मतलब जा नहीं पाते थे। और वहाँ के पास पास के बच्चे सारे पहुँच जाते थे, तो वो मेरे को कॉल करके कहते यार तुमने आज का ये दिन मिस कर दिया, ऐसे हमने किया वैसे किया, तुम क्यों नहीं आए, टीचर्स भी कह रहे थे यार मतलब आज पढ़ाई भी नहीं हुई, हमने इंजॉय किया, ये वो पता नहीं क्या क्या। तो गाइज आई होप आप लोग को मेरी ये आज की स्टोरी टाइम पसंद आई हो, अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।